नाजरेन, मैं हूँ जफर मुगल, अदालत न्यूज मीरपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है और पंजाब, करीबी ज़िला पंजाब में भी कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है और बहुत से अज़ला में लॉकडाउन किया गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में लॉकडाउन जारी है और मीरपुर में स्मार्ट लॉकडाउन कई सेक्टरों में नाफज किया गया है। तो इस हवाले से ओवरसीज़ जो बरतानिया से आ रहे हैं या दीगर ममालक से आ रहे हैं, उनकी वजह से भी मीरपुर में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है। तो इस बारे में तफसीलात जानने के लिए हम मौजूद हैं DHO ऑफिस मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब के पास। तो डॉक्टर फदा हुसैन साहब से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर मैं आपको हालिया स्टेटस बताऊं तो 232 हमारे एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 30 के लगभग हॉस्पिटल में है और बाकी होम आइसोलेशन है। ओवरसीज़ के बारे में आपने बात की तो हमारे दो ओवरसीज़ डेस्क हैं, एक मंगला के मुकाम पे और एक धान गली के मुकाम पे। जितने भी ओवरसीज़ आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसके बाद सैम्पलिंग भी की जाती है। अभी तक 4090 ओवरसीज़ वहाँ पर रिपोर्ट किया उन्होंने एक माह में। उनमें से 2021 के हमने सैंपल लिए हैं, उसमें से 29 जो है ना लोग वो पॉजिटिव आए हैं। तो उन 29 में से जो है ना 23 के लगभग ठीक हो चुके हैं, उनकी कॉन्टैक्ट सैंपलिंग भी की है हमने, बाकी 6 अभी होम आइसोलेट हैं और उनके सैंपल जो हमने भेज दिए हुए हैं NIH में सिक्वेंसिंग के लिए। ओवरसीज़ के हवाले से मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि जब वो तशरीफ लाएँ, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएँ और 14 दिन अगर वो क्वारंटाइन रखने अपने आप को, तो हमें इतला दें, उनके घर आके हम फिर सैंपलिंग करेंगे ताकि अगर कोई पॉजिटिव आ गया है तो उसको हर वक्त उसकी तशखीस की जा सके और स्प्रेड को रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर पदम मलिक साहब, उनसे जानते हैं कि वो कोरोना वायरस की वबा के हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं और ज़िला भर में इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। जी इनफैक्ट कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने मीरपुर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया और हमारा जो स्टेज है वो भी बड़ा रिस्पेक्टिव मारे एक्टिव केसेस हैं और 231 से नंबर पाँच और 102 की थ्री मारे डेस्क भी हो चुकी हुई है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने मरादाबाद में एक लॉकडाउन किया, जिसमें पहले एक हफ्ते के लिए हमने फ्री लॉकडाउन किया और मार्केट से बात की और 2 हफ्ते के लिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजुकेशन स्टेशन पर दीगर पाबंदी लगाई। अब हम तीसरे हफ्ते में हैं और अभी भी हमारे जो शादी आवास हैं और बड़ी जो गैदरिंग्स हैं उन पर पाबंदी है और SOPs पे भरपूर हम जुड़े ले रहे हैं और इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी हम लॉन्च कर रहे हैं और हमारा मैसेज जो हम आइसोलेशन पर जो है उनके लिए भी ये है कि वो भी वो SOPs हमको वायलेट ना करें। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी तक जो मीटिंग की सिचुएशन है वो भी नहीं हुई, जिसकी वजह से सेक्टर से हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि वो सेक्टर्स खोले जाएँ जिससे हमारा इंसानी जो ज़िंदगी है, इंसानी सेहत है, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। किसी चीज़ पहले इंसानी ज़िंदगी बच जाए, बाकी इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें उसके साथ साथ खोलेंगे। लोगों का हमारा ये है कि कम से कम जो मास्क का इस्तेमाल है और जो सोशल डिस्टेंस है उसको उस पर अमल दरामद ज़रूर करें और जो आपने कुछ अरेंजमेंट्स की हुई है शादी की या दीगर तकरीबात की तो सारे दस उनको या तो पेंडिंग करने या फिर मुख्तसरन अपने घर में अपने फैमिली के साथ उनको शादी की तकरीबात हैं दीगर तकरीबात उनको आप करें, क्योंकि इसका एक ही हाल है कि वो आप प्यार की तदाबीर करेंगे तभी आप उससे बच भी सकेंगे और इनफैक्ट आप अपने आप को भी बचाएँ, अपने घर वालों को भी बचाएँ और अपने पूरे मोहल्ले को बचाएँ। क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि एक बंदा जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स के इन्फेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब फैमिली इन्फेक्ट होती है तो दीगर मोहल्ले वाले वो बाजार में मूवमेंट होती है। इन सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं और होम आइसोलेशन की वायलेशन पे इसका भी है 50,000 तक जुर्माना भी मौजूद है। तो हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कि इसका इफेक्ट हुए हुए हैं कि वो एहतियाती तदाबीर करें, अपने आप को अलग थलग रखें और घर का सिर्फ एक अटेंडेंट उनको गैस सर्व करें और वो भी प्रॉपर SOPs के साथ और वो भी एहतियात करें बाकी घर वालों से, क्योंकि ये 10-12 दिन की सारी एक तो वो आप ये कह रहे हैं कि मुशक्कत जरूर है, हम समझते हैं अपने आप को कन्फाइन करना, लेकिन इसके अलावा और कोई लाज इसका नहीं है। सब ओवरसीज़ के हवाले से इंतजामिया क्या इकदाम उठा रही है और इसके हवाला से महकमा से कारकर्दगी से आपके साथ जी जो बड़ा लॉकडाउन था या तो मार्च से वहाँ से हमने मंगला में एक डेस्क कायम किया था जो डेली बेसिस पे जो सैंपल्स कलेक्ट करता था, ना सिर्फ ओवरसीज़ के बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से जो भी लोग आते थे उनके हमने सैंपल्स भी कलेक्ट किए और वहीं पर हमने एक तो उनको रजिस्टर किया और दूसरा उनको हमने
होम क्वारंटीन का एडवाइजरी भी जारी की कि आपने 14 दिन तक मौजूद रहना है और बाकी लोगों से मेलजोल आपने नहीं करनी। और उसके बाद फिर हमने रैंडम सैम्पलिंग 10 दिन के बाद भी उनकी की, जिसमें से कुछ पॉजिटिविटी भी आई उनकी। तो हमारा उनका यही है कि कोई हम डिस्करेज नहीं करते कि वो अपने घर ना आए या बाकी चीज़ें, लेकिन जो एस ओ पीज़ है वो इनफैक्ट वो अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का भी रखेंगे और दीगर मालों का भी रखेंगे। तो इसी में हमारी बचत भी है, क्योंकि इंसानी जिंदगी है, सेहत है, तो सारी चीज़ें बाकी इसके साथ साथ हैं। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो आएँ और एस ओ पीज़ का ख्याल रखें और घर का जो होम क्वारंटीन की जो एक एडवाइजरी है उनको जी। नाज़रीन, आपने मीरपुर में कोरोना वायरस की वबा के हवाले से इस्लामिया के सरबराहों से समझदार जानी, इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना बचाव की हिफाजत के लिए एस ओ पीज़ पर अमल किया जाए और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि आप खुद भी बचें और दीगर अजीज़ों करब को भी बचा सकें। कैमरा मैन नासिर चौधरी के साथ ज़फ़र मुग़ल, अदालत न्यूज़, वीरपुर, आज़ाद कश्मीर।